पंचायत सचिवों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी तो इसमें कोई तकनीकी और कोई कानूनी बाधा नहीं है। अगर नहीं करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है और अपनी। झारखंड विधानसभा में माले के विधायक विनोद सिंह ने पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ऑफर लेटर देने का मामला ध्यान आकर्षण के जरिए उठाया। क्या कुछ हुआ इन्हीं से जानते हैं। क्या आपने मामला उठाया था और क्या जवाब? देखिए, पंचायत सचिव के मामले में सवाल उठाया था और सरकार ने पहले तो लिखित जवाब में दिया था कि भाई सोनी कुमारी जजमेंट की वजह से रुका हुआ है, जबकि वो पूरी तरीके से गलत था। और फिर मैंने अपने उद्धरणों में बताया कि कैसे आपने रीजन ऑर्डर निकाला, कैसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मूला सुझाया, आपने फार्मूला बजाया। और जब वो फार्मूला बता भी चुके हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप और उसमें जो सोनी कुमारी के भी जजमेंट में जो मूल आशय था कि सभी जिलों में एक समान नीति हो उसके अनुसार रिजल्ट निकाला जा सकता है, उसके बाद भी आप कुंडली मार करके बैठे हुए हैं उस रिपोर्ट पे, तो उस पर करें, तो उन्होंने कहा तो है कि विचार करेंगे, लेकिन इतने दिन हो गए हैं अभी भी मुझे भरोसा तो नहीं है कि वो कितनी जल्दी विचार करेंगे। लेकिन ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इसमें सारे रास्ते हैं। अगर पंचायत सचिवों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी तो इसमें कोई तकनीकी और कोई कानूनी बाधा नहीं है। अगर नहीं करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है और अपनी मंशा के कारण जिम्मेवार होगी। कोर्ट का जजमेंट वगैरह भी पढ़कर सुनाया तो क्या लग रहा है कि सरकार कुछ पॉजिटिव है और परिणाम? बिल्कुल, मंत्री ने कहा भी विचार करेंगे। वैसे इस विषय पर अलग से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जी से भी बात किया था कि जब सारे रास्ते हैं, हमारे रास्ते और हमारे प्रयास रोजगार खोलने के लिए होने चाहिए, लोगों को रोजगार देने के लिए होने चाहिए, नियुक्तियों का रास्ता प्रशस्त करने होने के लिए, न कि उसके रास्ते बंद करने के लिए होने चाहिए। और जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मूला अपनाया है, उच्च न्यायालय में भी कहा है, और उसके बाद भी नियुक्तियाँ आप नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि सरकार की ही मंशा नहीं है देने की। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.